क्या ये बात। जी आ गया जी, हमारा शेक आ गया जी। ये ड्राई फ्रूट का शेक है, ये गुजरा वाला। मैं इंतहाई मजेदार और जबरदस्त किस्म का लग रहा हमारे मोहसिन भाई हैं जी, ये आपको बताया पहले भी कि इनका वकालत के साथ ताल्लुक है। तो ये अपनी ड्यूटी से जो है वो जी वो घर जा रहे थे, अचानक हमने इनको रास्ते में पकड़ लिया और साथ बिठा लिया। और हमारी भाभी जो है उनको लेने जाने वाले थे ये, तो बड़ी जो है ना इन्होंने अपना दिलेराना जो है दिल के साथ जनाब हमें जो है ना अपना जरूरतमंदी का गुजारा जरूरतमंदी का किया, गुजारा करते हुए प्लान को कैंसिल कर प्लान दिया। को कैंसिल किया। और हमें जो है ना वो 2 घंटे का टाइम जो है ना वो इन्होंने दिया। बाकी ये जान ले, अल्लाह जान ले ना की होना बाद आ तो साढ़े नाल गए ने। तो जी ये मोहसिन साढ़े भाभी भाई दे आते नहीं, उन्होंने की की करना है ना करना है। मोहसिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे जी? साहब। फैमिली के रेफरेंस से म्यूचुअल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जिसे म्यूचुअल कहते अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्डअप नहीं हो रही अभी हैं, तक, स्पेस है अभी क्या इस तरह का कोई चीज सोचते आ रहा है? थोड़ा बोलते भाभी बोलते घर में ये चुप नहीं करते हो? नहीं, क्यों जट साहब को चले? जट साहब बंदा जट हो और वो खामोश रहे घर में, ये तो घर भी जट ही ने। चलो चलो जट साहब को पूछ लेने। तुसी कर ले जट साहब, घर पे आप खामोश रहते हैं या मतलब बोलते हैं, कुछ शोर शराबा करते हैं? नहीं वैसे तो मैं घर भी इंजी बोलते हैं, घर ना बोलते हैं। नहीं इत्राम करते हैं कितना करना चाहिए, मतलब कितना? अजीम भाई आपकी क्या शादी है, रेंज है या मैरिज है? लव मैरिज है, रेंज है। आप सेटिस्फाइड है ना? क्योंकि आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि केस तो आड़े को लिया रहा है। तो मुझे डाउट है तो आड़े केस में को लिया रहा है। ये मोशन भाई भाभी से बात हुई है, कोई दबका शबका तो नहीं पड़ा आपको? वो कह रही है एक घंटे से आ जाए, एक घंटे तक आ जाए। तो फिर अब क्या प्लान है? आपने मैं 2 घंटे का टाइम दिया। तो अच्छा अच्छा ये हमारे सामने, अच्छा अच्छा ये हमारे सामने कह रहे हैं या मतलब बाद में जो कर लेंगे ना? अच्छा 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 बना लेंगे, क्या कर लेंगे? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जी मियां शीक है, ये आसिफ साहब पीछे जी, अजीम जट साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये साथ चौधरी मोहसिन सलीम एडवोकेट साबका नाजम प्रताप बाजवा जनाब अली, ये हमारे जो है ना बहुत ही प्यार वाले भाई हैं। तो किसी भी किस्म का कोई केस कूस होता है उल्टा सीधा तो ये भाई कवर करते हैं। तो ये क्या कह रहे मोहसिन भाई? हर दर्द का इलाज कह रहे हैं जी, हर दर्द का इलाज जोड़सा पार्ट टाइम हम दर्द च भी काम करते हैं। जोड़ जोड़ दर्द करते हो ना अभी तो सीधा सर। ये आसिम भाई है जी, ये इनका जो तल्लुक है मेडिकल फील्ड से है, तो ये अपनी जो फील्ड है उससे बड़ा लायल है। तो ये जट साहब हैं पीछे, ये मूवी के साथ बड़ा लायल है जी, ये लोगों की उल्टी सीधी मूवी बनाते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो गलत मूवीज जो वायरल होती हैं या लीक होती हैं इनकी वजह से होती तो है। इनकी वजह से होती है। अरे इन्होंने पूछे कहते मैंने पता नहीं लगा वायरल भी होगी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी वाली वीडियोस भी ना उन्होंने क्लेम किया साहब, शायद मैं भी मेरा नहीं ख्याल नहीं, इन रेयर चांस है कि इनसे निकले। अच्छा क्योंकि वो ओवरटेक है इसे। हां बिल्कुल सही है, ये इनकी सेहत से सेहत देख के आप हिसाब लगा सकते हैं ना, मेजर नाम ही काफी है। हां मेजर साहब तो मोबाइल से, अच्छा मेजर इजाज से है कुछ आप। लेकिन वो मैं ना जो डॉक्टर जवेद इकबाल ने जो ब्लॉग बनाया सी ना, उन्हें गल सही की थी
बहावलपुर दो यूनिवर्सिटी एक कायदे था मेडिकल कॉलेज एक इस्लामी यूनिवर्सिटी और इन्हें इस्लामी यूनिवर्सिटी की रेशो अच्छी है प्लान कोई नहीं है किधर जाना है देखते हैं किधर बैठते हैं किधर गपशप करते हैं तो जिधर भी बैठेंगे आप भी जो है वो देखेंगे मियां साहब आ एक दिन पहले ही पढ़ लिया जुमा क्यों कल ही अगो जुमे दौड़ लाए पे यार तू कि जुमा पढ़ा छोटे छोटे मारन आले ने बंदा भी चलदा अच्छा जी चलो दे लेने जट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे जी ये हमारे बहुत ही जो है ना प्यारे भाई हैं अजीम जट साहब तो ये देखें जैसे लेडीज की तरह बैठे हुए हैं देखा आपने जट साहब प्लीज कुछ कहें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई आप से कुछ भी कह दें अपने बारे में कुछ कह दें खारिज नहीं क्या करना सामने गल गुल कर रही है हाँ कर रही है पहले भी मेरे ख्याल 11,000 रुपए आए थे ये सब इतना सैनमा होता ही तुसी देखी है अपनी होच च मैं होच नहीं देखी है मैं बिल्डिंग होती देखी है सैनमा चल रहा है हाल पीली हाँ जी मैं सैनमा चल रहा नहीं देखा खुद अपनी मैं बहुत कुछ जो सुनिया सुन के बड़िया जी चीजा जने माइंड फ्रेशनेस मिली है बाद जगह ते बाद चीज़ां ते माइंड अपना बंद हो जाता जी उदियां वीडियो देखनियां सर्च करके ते वो यकीन मनो कि उन्हां दी वीडियो देख के ना एक बड़ी फ्रैशमेंट मिलती सी ते कामयाबी दी लहर फिर दौड़दी सी ते बाकी ऐ साडे मोहसन भाई ने ये भी कसम अली शाह साहब तो घट नहीं मोहसन भाई कुछ कहना चाहोगे सारा मैं सर इस टाइम 23 करोड़ आवाम बहिंदी है बई एक बंदे ना लगे फोन ते 23 करोड़ नू छड़ के ओना नू चकाड़ दियो ओ एक बंदे ने कहो तू भी 3 जाइया ओ सुन रहे ने हां जी वो सुन रहे हैं अच्छा जी हम जो बात कर रहे हैं उर्दू पंजाबी मिक्स में मिक्स जो है ना वो अचार बना के तो बात कर रहे हैं कभी उर्दू कभी पंजाबी बस सीटिंग हमारी ऐसे ही है कभी उर्दू कभी पंजाबी
सारी बात है जो भी भाई हमें देखेंगे या देखे हैं वो पाकिस्तान से ही होंगे, बाकी इंडिया से भी होंगे तो इंडिया वाले भी जो है वो जबान मिलती जुलती है। हमारे मोशन भाई हैं जी, ये आपको बताया पहले भी कि इनका वकालत के साथ ताल्लुक है, तो ये अपनी ड्यूटी से जो है वो जी वो घर जा रहे थे, अचानक हमने इनको रास्ते में पकड़ लिया और साथ बिठा लिया, और हमारी भाभी जो है उनको लेने जाने वाले थे ये, तो बड़ी जो है ना इन्होंने अपना दिलेराना जो है दिन के साथ जनाब हमें जो है ना अपना जरूरतमंदी का मुजहरा करते हुए प्लान को कैंसिल कर दिया, प्लान को कैंसिल किया और हमें जो है ना वो 2 घंटे का टाइम जो है ना वो इन्होंने बाकी दिया। ये जान ले अल्लाह जान ले ना की होना बात आ तो साडे नाल गए ने तो जी मोहसिन भाई भाभी दे आते नहीं उन्होंने की करना है की करना है। मोहसिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे जी फैमिली के रेफरेंस से? नो अच्छा जी वो खबरों भाई मेरे एक दोस्त है पीके रणप्रीत, शायद आप उनको यकीनन जानते होंगे, पाकिस्तान का एक नाम है जी वो भी, तो अक्सर उनके साथ बात होती है तो वो कहते हैं जब उनको कहते हैं ना कि आप रणप्रीत हैं तो वो एक ना बड़ा प्यारा सा जुमला बोलते हैं मियां साहब रणप्रीत, अब हर बंदा अपने घर में रणप्रीत ही है, सिर्फ ये है कि मैं जरा ओपन हो गया हूँ तो बाकी जितने भी लोग हैं घरों घर ही पंजाबी च कहते हैं घरों घर ही हर बंद ही रणप्रीत। तुसी देख लिया कि साढ़े भाई ने जो इस तरह की गल आई है, हालां माशाला ये साढ़े भाई बड़े अच्छे वकील ने ते बड़ा अच्छी जी स्पीच करते हैं, बड़े अच्छे दलायल देंगे ने, ते बाकी तुसी यह देख लिया हूँ भी ये दलायल सानू दिता उन्होंने कि नो कमेंट्स, उन्होंने एको 2 लफ्जों के सानू फर्क कर छड़े है। चले ठीक हो ये पोषण भाई भाभी से बात हुई है कोई दबका शबका तो नहीं पड़ा आपको? वो कह रही है एक घंटे तक आ जाए, एक घंटे तक आ जाए। तो फिर अब क्या प्लान है आपने? मैं 2 घंटे का टाइम दिया तो अच्छा अच्छा ये हमारे सामने अच्छा अच्छा ये हमारे सामने कह रहे हैं या मतलब के बाद में जो कर लेंगे ना? अच्छा 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 मना लेंगे क्या कर लेंगे ऐसे क्या कर लेंगे खाना को सोखा काम पता ही चैनी को कर लो चलो जान दो जान दो अल्लाह की सपुरद कोई गल फिर जिन्ना को पीता जाएगा फिर पियांगे। ये जी अभी हम जा रहे हैं जी मिल्क शेक है और इसको आप जो है वो खुश्क मेवा जात का शेक भी कह सकते हैं, बहुत ही लजीजा और बहुत ही उम्दा जो है वो बना के देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी भूख लगी हो तो आप एक गिलास जो है वो शेक का पी लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 3-4 घंटे जो है ना वो किसी कोई भी चीज खाने की तरह होती है। अब देखे ना ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इन्होंने भी तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल सही है, ये आप अजीम जट साहब की तरफ से कह रहे हैं? अजीम जट साहब की तरफ से कह रहे हैं जी। वेरी गुड सर, नाइस पर्सन। हां मैनेज किया है मामला के जी जी, तो आपके सामने ही है जट साहब की गुलीमा चलते की था। नहीं वो देखिए ना जिस तरह मैनेज कर रहे हैं फैमिली को, पुशअप कर रहे हैं अपने रिलेशन को, तो ये बहुत अच्छी चीज है। सही हो गया, अडॉप्ट करना चाहिए। नहीं वो तो सन भी लग रहे हो साडे नाल नहीं बोलदे भाभी नाल किथों बोलदे उन्होंने इन्हें बंदे ते कामयाब हस्बैंड घर में ये चुप नहीं करते होंगे? नहीं नहीं क्यों जट साहब को चले जट बंदा जट हो
और वो खामोश रहे घर में ये ते घर भी जाटी रहे चलो चलो जट साहब को पूछ लेने तुसी कर ले जट साहब घर पे आप खामोश रहते हैं या मतलब कि बोलते हैं कुछ शोर शराबा करते हैं जी मकसद मैं मुझे गल नहीं फिर ही बोली जाऊं घर भी इंजी बोलते हैं जिवें घर ना बोलते हैं बातचीत रही है नहीं इत्राम करते हैं कितना कितना करना चाहिए मतलब कितना खुद ही कर देते भाई मतलब कि ये जो काम होता है किचन का ये मतलब कि आप बिना भाभी के कहीं कर देते हैं अच्छा 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 भाभी करती हैं अच्छा अच्छा पर हेल्प करते होंगे नहीं थोड़ी बहुत ये तो बड़ी बुरी बात है यार वो हाथ बटाना चाहिए अभी जब नहीं इसमें कोई बात नहीं है आप अगर समझ की जात करती थी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो लो जी मेरा पॉइंट आ गया ये जी पॉइंट आ गया जी इधर हम करेंगे जी तो ये आपको इधर ही मिनट करवाएंगे जी बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जी ठीक है वेरी गुड नहीं वैसे भी ठीक है पीना चाहिए नहीं जैसे शेख आता अगर देखा जाए तो आप आगाज करते हैं घर में खोलने के लिए या बाबू के नहीं घर में परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा अच्छी है बाबू की भाई तुहाडे को वैसे भी नहीं बोला जांदा नहीं भाभी ते सब ले कह रहे ने असल च ना मोबाइल नु बेगम फील करदे रहे ना पै अच्छा तो शायद मोबाइल से शर्माए ना या आपकी पर्सनल लाइफ है पर्सनल जिंदगी के गलत सवालात जवाबात हो रहे हैं ये पर्सनल ही रहेंगे पार्टिसिपेट करें ये पर्सनल ही रहेंगे आप और भी पूछ रहे हैं वही बात आ गई मोशन भाई अली मियां साहब ने कहा है कि मैरिज से रिलेवेंट क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाए इस तरह आप जनरल पूछ रहे हो घर में भी इतने खामोश नहीं असल में तनहा ना ज्यादा पसंद कर तनहा क्यों इतना रहते हैं आप तनहा ऐसे कहना कि कोई रीजन होती है कोई वजह होती है कोई उम्मीद होती है इस वजह से मैं तनहा रहना पसंद करता हूँ जवाब दे सिगरेट पी लिया जी आप तनखा क्यों रहते हैं जेरे बंदे नाल बैठे ने ओ ही नहीं गलत अजीम भाई आपकी क्या शादी है रेंज है ये मैरिज है लव मैरिज है रेंज है आप सेटिस्फाइड है ना क्योंकि आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि केस तुम्हारे को नहीं आ रहा है मुझे डाउट है तुम्हारा केस मेरे को नहीं आ रहा है तू ही कहो मुझे डाउट लग रहा है कि मेरी फीस भर जा रही है नहीं क्योंकि इसमें 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 मेन रीजन होती है मेन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं
कि हाँ मांगी मुझे जहाँ तक लग रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड अप नहीं हो रही अभी तक स्पेस है क्या इस तरह का कोई चीज होती आ रहा है थोड़ा बहुत है नहीं इसमें देखे ना समटाइम इस तरह होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब आप ये जी आ गया जी हमारा शेक आ गया जी ये ड्राई फ्रूट का शेक है ये गुजरा वाला में इंतहाई मजेदार और जबरदस्त किस्म का जो है ना ये बनाते हैं जी भाई सर्व करें बहुत सर ये शेक है इंतहाई जबरदस्त और लजीज है इसके अंदर जो है वो कह लें कि आप ड्राई फ्रूट्स की तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं ये हमारे जो आसम भाई हैं जी वो मिक्स कर गए मिक्स मैंने कर दिए ये पीछे हैं ये मटा हुआ तेल हो गई